मक्के की फसल में दीमक नियंत्रण। किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती के छोटे छोटे टिप्स वीडियो में। हमारे देश में मक्के की फसल के लिए दीमक एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। दीमक से प्रभावित पौधा बड़ी आसानी से उखड़ जाता है, क्योंकि ये पूरी जड़ को ही खा जाता है और इसका संक्रमण शुरू से लेकर फसल कटाई तक रहता है। शुष्क क्षेत्रों में इसका असर अधिक देखने को मिलता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अपनी फसल और मौसम के बारे में सही जानकारी पाने के लिए सयाजी सीड्स की चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जिन क्षेत्रों में दीमक का मक्का की फसलों पर भारी संक्रमण होता हो, वहां दीमक से सुरक्षा के प्रभावकारी कदम उठाने चाहिए। दीमक प्रबंधन में सबसे जरूरी है रानी और कॉलोनी को नष्ट करना। रोगग्रस्त पौधे या पौधे के हिस्से को हटा दें। खेत के आसपास सफाई रखें। खेत में कच्चा गोबर नहीं, बल्कि अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद डालें। अरहर, लोबिया और काली उड़द जैसी गैर मेजबान फसलों के साथ मुख्य फसल को अदल बदल करके लगाएं। खेत में नमी बनाए रखें। दीमक की अधिकता होने पर 17.8% एसएल इमिडाक्लोप्रिड की 1.0 मिली मात्रा को प्रति लीटर पानी या क्लोरपाइरीफॉस 16% प्लस अल्फा साइपरमेथ्रिन के 1% को 1.5 मिली प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर मिट्टी पर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, आपने अभी जाना मक्के की फसल में दीमक नियंत्रण कैसे करें। अगली बार हम फिर खेती की एक नई जानकारी को लेकर हाजिर होंगे। कृषि से जुड़ी सलाह पाने के लिए सयाजी सीड्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपके सवालों और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा।